नमस्कार, एमएचओ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन और हिमकिताज के सफर में इस वक्त हम मौजूद हैं कुल्लू, और हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता महेश्वर सिंह जी। महेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचओ न्यूज में। महेश्वर जी, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आपने नई पार्टी बनाई है, तो किन मुद्दों को लेकर आप हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर मैंने अपना 37 वर्ष पुराना राजनीतिक घर छोड़ा, उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे जा रहा हूँ। देखिए, मैं लगातार किसी दूसरी पार्टी में नहीं रहा, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अटल जी के कुशल नेतृत्व में मुझे अटूट विश्वास था। और ये अगर अटल जी बीमार ना होते जी, तो शायद ये पार्टी छोड़ने की नौबत ना आती, क्योंकि उनके होते हुए ये पार्टी ईमानदार भी थी, पार्टी में भीतर का प्रजातंत्र भी जीवित था और विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता थी, ईमानदारी थी। आज जहां एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक एक को कहते हैं कि ये भ्रष्ट है और दूसरा दूसरे को कहता है कि ये भ्रष्ट है, और लोगों को ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि दोनों भ्रष्ट है, इसलिए हिमाचल में एक विकल्प की आवश्यकता थी। मतलब आप एक तीसरे विकल्प के रूप में तैयारी कर रहे हैं जो हिमाचल में दे सके, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक सिर्फ दो ही पार्टियां एक दूसरे के पूरक रही। एक समय आया उसमें वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तीन मुख्य मुद्दे थे। एक तो हिमाचल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की आवश्यकता है जी। क्योंकि रीजनल पार्टी है, मैं रीजनल बात करूंगा, देश की क्या हालत है वो भी किसी से छुपी नहीं है। और दूसरा ये कि दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर का प्रजातंत्र समाप्त हो रहा था। तीसरा, जिन मुद्दों को लेकर मैंने अपना नाता छोड़ा, रिश्ता छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में 26 वर्ष की आयु से लेकर 63 वर्ष तक जो जीवन के बेहतरीन वर्ष होते हैं वो इस पार्टी में काटे, मैंने भरसक प्रयास 2 वर्षों में किया कि पार्टी अपनी नीतियों पर चले, लेकिन नहीं चल पाई। इसलिए जब गडकरी जी से भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, बावजूद इसके कि मैंने आरटीआई के अंतर्गत सारी सूचनाएं एकत्र कर उनके सामने रखी और उनको कन्विंस करने का प्रयास किया कि ये लोग हैं, और उन्होंने कहा कम विद प्रूफ, तो 108 पेजेस को लेकर 17 लोग हम गए, जिसमें 2 वर्तमान मंत्री, 5 वर्तमान विधायक भी थे और मेरे साथ पूर्व भी कई थे, राज्यसभा मेंबर थे। और जब उन्होंने कुछ नहीं किया प्रूफ देने के बाद भी, और जो बातें उन्होंने कही उनसे दुखी होकर मैंने ये निर्णय लिया कि अब इस पार्टी में हमारी कोई जगह नहीं है। और एक गाना सुना करता था बचपन में कि दुखी मन मेरे, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। लेकिन यहाँ चैना की आपने बात की कि जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं तुमल पिता पुत्र की पार्टी, कांग्रेस भी इस तरह का प्रचार करती है, बार बार कहा गया कि पिता पुत्र की पार्टी बन चुकी है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं वही मतभेद थे आपके? देखिए, वो भी थे, एक तो भ्रष्टाचार, भाई भतीजा बात आज कांग्रेस में भी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका अनुसरण किया। और इस प्रकार से ये मैं नहीं कहता, बल्कि श्रीमान शांता कुमार जी आज जो उनके साथ है, वो सच मानो तो इन बातों को लेकर वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। आज कौन से कारण है कि उनके साथ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन कभी कभी मन की बात वो आज भी कहने से नहीं करता। लेकिन यहाँ महेश्वर जी बात की जाए, जैसे कि मैं पहले भी मैंने सवाल किया था कि आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस और भाजपा दो ही विकल्प रहे हिमाचल प्रदेश की जनता के पास, जब से शुरुआत हुई है, जब से हिमाचल प्रदेश बना है, क्या अब आप एक तीसरे विकल्प की तैयारी में? आपको याद दिलाना चाहूंगा, 15 वर्ष पूर्व जी पंडित सुखराम जी, कोई और नहीं जी, उन्होंने इसी टेलीफोन की घंटी बजाई थी और उन्होंने तीसरा विकल्प खड़े करने का प्रयास किया था और उसमें वो सफल हुए। और शायद धूमल जी भूले नहीं कि अगर वो उस वक्त टेलीफोन की घंटी ना बजाते तो धूमल जी जलंधर से वाया हमीरपुर शिमला ना पहुंचते, इनकी मुख्यमंत्री के रूप में उत्पत्ति हुई है तो केवल इस टेलीफोन के कारण, केवल सुखराम के कारण। ये प्रदेश जानता है। और दूसरा जी, आज कहते हैं तीसरे विकल्प की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों को सूट नहीं करता ना, इनकी तो बड़ी अच्छी मिली भक्ति, मैच फिक्सिंग थी, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा उसकी गलती छुपाएगा, एक इसकी गलती छुपाएगा, आज इसलिए बौखलाहट है कौल सिंह जी में भी और इन लोगों में भी कि ये तो अभी तीसरा विकल्प आया तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए बौखलाहट में कहते हैं। बिल्कुल जी, हमने बीजेपी के लोगों से बात की आपके बारे में, जब हमने बात की कि क्यों आखिर आपके अपने आपको छोड़ के गए, तो उनका ये कहना था कि उनकी नीतियां अलग थी, वो अलग तरीके से अनुसरण करना चाहते थे और एक कहें कि अनुशासन में नहीं थे, इस बात का क्या जवाब देंगे? अगर वो अनुशासन में होते तो महेश्वर सिंह छोड़ता क्यों?
आप भी इस बात से सहमत होंगे, जिसके साथ इतने लोगों का आशीर्वाद है और 35 वर्ष इस घर में काटे, क्या वो छोड़ना आसान है? क्या मुझे टिकट ना मिलता? ये लड़ाई नहीं थी, लड़ाई मेरी मुद्दों की लड़ाई थी और उस पर मैंने छोड़ी है। आप देखिए, इससे पहले यहाँ पर सुखराम जी ने क्यों कांग्रेस छोड़ी, उसका एक अलग इतिहास है, उस डिटेल में मैं नहीं। लेकिन जैसे बीजेपी दावे कर रही है इस वक्त जनता के बीच में है कि हमने विकास कराया, हमने शिक्षा दी, हमने रोजगार दिया, हमने सड़कें बनवाई, हमने बहुत सारे औद्योगिक नीतियां यहां पर लागू करके बहुत सारे जो औद्योगिक बड़े घराने हैं उनको हमने हिमाचल में एंट्री दिलाई। कांग्रेस कहती है कि वो उसने भ्रष्टाचार किया बीजेपी ने, हमने विकास किया, हमने लोगों को तमाम सुविधाएं दी, केंद्र ने सुविधाएं दी, तब हिमाचल तरक्की पे है। आप क्या कहेंगे? दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और वो दिन कोई भूला नहीं है जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया कांग्रेस ने, तो नारे लग रहे थे, गली गली में शोर है, ये भारतीय जनता पार्टी चोर है। और भारतीय जनता पार्टी वाले सत्ता पक्ष भी क्या नारा लगा रहा था, गली गली में शोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। और लोगों का मत है दोनों ही चोर है, ये सच्चाई है और ये हम सबूतों के सहित कह सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इनमें भ्रष्टाचार नहीं, एक बात का जवाब दीजिए, अभी अभी आपका एक चुनाव हुआ जो आंखों देखी बात है, और ये चुनाव रेणुका विधानसभा का उपचुनाव था जी। भारतीय जनता पार्टी के नीति में अपनी संस्कृति को जीवित रखने का भी संकल्प था और वो रेणुका झील ऐसी पवित्र मानी जाती है, उसके नजदीक शराब नहीं जाती जी। और वहां पर सरकार का दायित्व है, ड्राई एरिया घोषित है कि वहां शराब ना जाए। इनसे एक जवाब पूछिए धूमल जी से, क्या ये सत्य नहीं है कि तुम्हारे नेतृत्व में वो चुनाव हुआ, अपने खिमीराम जी उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे, 350 पेटियां महामाई के परिसर के धर्मशाला में किसने पहुंचाई शराब, कौन उसका जिम्मेवार था? अगर तुमने नहीं पहुंचाई तो क्या जरूरत पड़ी तुमको जब कांग्रेस वालों ने शिकायत की, छापा पड़ा तो इनको जगह छुपाने को नहीं मिली, इन्होंने 350 पेटियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाकर एक एक करके उस झील में डाली कि महामाई या तो चुनाव है, तू भी आनंद ले ले, तू भी पी ले। इन्होंने उसको कब भ्रष्ट किया, फिर ये कहते हैं कि ये बड़े सातों दूध हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश की संस्कृति रही है, सभ्यता रही है कि चुनाव बड़ी शालीनता के साथ होते थे, लेकिन कुछ दिनों से बदल गया। अब आरोप प्रत्यारोप थोड़ा सा असभ्य हो चले हैं, मर्यादाएं टूटने लगी हैं, उन्हें लेकर क्या कहें? टूट रही है, अब अपने आप को कह रहे हैं कि फिर शांता कुमार जी को पूछो ना, उन्होंने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हिमाचल में सब कुछ ठीक नहीं है, इनको भी अपने यहाँ की गंदगी साफ करनी होगी, कटु निर्णय लेने होंगे। कौन सा कटु निर्णय लिया बताइए? और जो बात मुझे गडकरी ने कही, क्या कह दूं आपको? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे जनता सुने ताकि पता, बिल्कुल हम चाहेंगे। पार्टी छोड़ी आज दिन तक मैंने नहीं कहा था, आप बार बार मुझे मजबूर कर रहे हैं, और क्योंकि ये लोग भी कह रहे हैं, मुझे मालूम है क्या कहा उन्होंने, कि महेश्वर सिंह जी जब हमने सारे भ्रष्टाचार की बातें उनको कही कि शिक्षा हब के नाम पर आज आपके यहाँ लूट पड़ी है, क्योंकि सोलन में 4 कॉलेज और 12 यूनिवर्सिटी, क्या कारण है? यहाँ 118 लगा हुआ है, सेक्शन 8 आप जानते होंगे जी, बिल्कुल, कि यहाँ किसी व्यक्ति को अपनी जमीन बेचने का आउटसाइडर को अधिकार नहीं। और ये परमार साहब के टाइम में मुख्यमंत्री थे हिमाचल में, कांग्रेस के टाइम में ये कानून बना था और मैं इस कानून का समर्थक हूँ। क्यों? कि यहाँ के गरीब को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, अधिक धन देकर उसकी जमीन खरीदेगा तो एक दिन आता कि यहाँ का व्यक्ति, वहां पर कोई माली होता, उसको पूछते कि ये जमीन किसकी थी, वो कहता मेरे दादा की थी जी, जी, लेकिन मेरे दादा ने बेच दिया, आज मैं यहाँ माली हूँ। क्या ऐसी स्थिति लाते? इसलिए 118 लगाया था। कौन सा कारण है कि शिक्षा हब के नाम पर ऐसे लोगों को वहां जमीन दी गई और 4 कॉलेज पर 12 यूनिवर्सिटी का क्या औचित्य है? और कौन उसमें इन्वॉल्व था? क्या वहां के मंत्री ने थे? सुनिए, उस जमीन को इन्होंने सस्ते दाम पर लेकर और एक कंडीशन में रिलैक्सेशन दे दी, कहा कि ये यूनिवर्सिटी के लिए तो वंस यूनिवर्सिटी शुड बी ऑलवेज यूनिवर्सिटी, डू यू एग्री विद मी? क्या लिखा उसमें? कि अगर ये यूनिवर्सिटी चलाने में असफल होंगे तो 25 वर्ष के बाद या इनकी जनरेशन विल बी फ्री टू यूज द लैंड इन व्हाटएवर मैनर इट दे वांट। डज इट नॉट मीन इट इज नथिंग बट लैंड एस्टेट बिजनेस? सरकार ने एनकरेज किया। पूछिए इनको कि फिर वहां के मंत्री को क्यों हटाया गया, कौन सा कारण था? बिल्कुल, जब गडकरी जी का हटाया तो क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कहा कि इनको जब महामंत्री बनाया पार्टी का, उन्होंने प्रेस वालों ने पूछा ये प्रमोशन है या डिमोशन, वो कहता सडनली इट इज ए प्रमोशन। अगर प्रमोशन है तो आप क्यों नहीं लेते प्रमोशन? यू शुड ऑल्सो गो एंड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज प्रमोशन। हम जानते हैं क्या प्रमोशन होती है। और फिर जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा आरोप लगाए, माननीय शांता कुमार जी को पूछिए कि उस व्यक्ति को अपने जिले से दूसरे जिले में भी टिकट